दोस्तों, लेखपाल भर्ती का सिलेबस और लेखपाल भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री आवास से डायरेक्ट मुख्यमंत्री द्वारा हो चुका है। कब भर्ती आने वाली है सारा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। सिलेबस में किस प्रकार का कौन सा बदलाव देखने को मिला वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अधूरा वीडियो देखेंगे अब परसेंटाइल का चक्कर छोड़ दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ 75, 80 ये सब मत कीजिए। मिनिमम परसेंटाइल पर सबको लिया जाएगा और कैटेगरी वाइज लिया जाएगा। जब कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा तो नॉर्मल सी 70-75 वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 70-75-80 वाले कैटेगरी वाइज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ कैटेगरी में हो जाएंगे, परेशान एकदम ना रहिए। किसी बच्चे का, किसी ग्रुप का, किसी चैनल का यदि आप देख के भ्रमित हो रहे हैं कि 80 वालों का नहीं होगा, 75 वालों का नहीं होगा, तो उनके चक्कर में ना फंसिए, तैयारी में लगे रहिए। आगे आपके ऊपर डिपेंड है। चलते, आपको नोटिस दिखाया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में दिखाया गया, खाली पदों की भर्ती। दिवाली के बाद 22,000 पदों की भर्तियाँ, ये भर्तियाँ डायरेक्ट हो सकती हैं, मतलब डायरेक्ट भर्ती टोटल एक साथ निकाली जा सकती है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आप, यूपी में समूह की खाली पदों की भर्ती का इंतजार बैठे युवाओं के लिए 22,794 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इन पदों को 5 चरणों में भरा जाएगा। इसके लिए 5 चरण में कौन से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जनवरी में फरवरी से सभी परीक्षाएं आयोजित कराने की तैयारी में है, मतलब सारे एग्जाम आपको करा लिए जाएंगे। आचार संहिता से पहले विज्ञापन। देखिए, आयोग ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को लागू होने के इन पदों के आवेदन भर्ती प्रक्रिया सबसे पहले शुरू कर देगा, जिसकी जिससे किसी तरह की कोई विवाद ना फंसे। आयोग अध्यक्ष प्रवीण कुमार सदस्यों के साथ इस बैठक में बैठक कर चुके हैं, जिससे सभी भर्तियों को संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी किए जा सकेंगे। अब देखिए, जो नए नए भर्ती है ना, जितने मतलब आपको पहले कार्यक्रम देखने को मिले थे, उसमें संशोधन होगा, ठीक है। संशोधन इस हो सकता है जिसमें 22,000 पदों की भर्तियां तत्काल प्रभाव से सबसे पहले ही करा लिए जाए, चुनाव के लफड़े में नाफस से भर्ती, ठीक है। तो जो आपने कैलेंडर देखा था उसमें संशोधन देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। 50,000 ज़्यादा पद खाली है यूपी में समूह के, जो आपके पीटी आयोजन करने वाली बात है, इसमें 50,000 ज़्यादा पद खाली है, जिसमें से आपका जो रिजल्ट जारी किया गया 17,99,052 अभ्यर्थी जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। 50,000 से ज़्यादा पद खाली होने की बात यहाँ पर दिखाई गई है। 22,000 पदों की भर्ती होने वाली है। शेष बचे पदों को भर्ती प्रक्रिया आयोग आगे कराएगा, ठीक है, 22,000 से ऊपर वाले के। समूह के रिक्त पदों पर भरने के लिए 1 साल के अंदर के लिए पीटी आपका मान्य होगा, ये भी इसमें दिया है। इसका लाभ आप ले सकेंगे जितनी भर्तियाँ होंगी, जरूरत के आधार पर ही यहाँ पे इसकी विस्तार से बताया गया है। इन इन पदों पर भर्तियाँ होने वाली है, जो डायरेक्ट भर्ती आपको एक साथ देखने को मिल सकती है। और ये पद की भर्तियाँ जो आपकी प्रचलित है, यहाँ पर देख सकते हैं, सम्मिलित ग्राम पंचायत के 1953 है, ये सारी भर्तियाँ अब वीडियो के एग्जाम जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकता है। 5 चरणों में होगी ये भर्तियाँ आपकी। पहले चरण में आपका जो देख सकते हैं 50,000 पदों पर भर्तियाँ कराई जाएंगी। यूपी में अब नौकरी पाने के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मुख्यमंत्री का बयान है। समूह की भर्ती के लिए अंग्रेजी जरूरी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगभग 22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत करेगा, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा कराने पर भी विचार किया जा रहा है, हो सकता है ऑनलाइन भी कराए, क्योंकि संख्या बल कम होने की वजह से ऑनलाइन भी संपन्न करा सकता है आयोग। इसके साथ सभी भर्ती प्रक्रियाओं के कार्यक्रम को जारी रख करेगा। नया आपका कैलेंडर आने वाला है, जिसमें इसमें शामिल होने वाले समूह मतदी भर्तियाँ हैं उनको सहायता मिल सकेंगी। समूह की भर्तियों के अंग्रेजी कंप्यूटर ज्ञान जरूरी होगा। आयोग का मानना है कि अंग्रेजी और कंप्यूटर की जानकारी सबसे अधिक जरूरी है। तो आपका जो भी लेखपाल या अन्य भर्ती की जो आपका सिलेबस है, उनसे संशोधन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ट्रिपल सी तो रहेगा ही, कंप्यूटर ज्ञान भी कंपल्सरी। जब ट्रिपल सी तो कंप्यूटर रहेगा ही, मैटर समझ गए होंगे, जहाँ ट्रिपल सी वहाँ कंप्यूटर तो मान मैटर करेगा ही। ट्रिपल सी अनिवार्य हो चुका है लगभग, और अंग्रेजी भी अनिवार्य हो गया है। तो संशोधन आपको जल्द ही कैलेंडर देखने को मिलेगा, और आपको सिलेबस दोनों, बस तैयारी में लगे रहिए। परसेंटाइज का चक्कर छोड़ दीजिए। तो बस बेस्ट विशेष सभी के लिए, और आपने परसेंटाइज का चक्कर छोड़ के तैयारी में लगे रहिए, नहीं तो फिर आई गलती आपकी होगी, क्योंकि तैयारी में समय बहुत कम है। आप परसेंटाइल के चक्कर में फंसेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड है। 70 के ऊपर सारे परसेंटाइज कैटेगरी वाइज डिवाइड होकर अपना तैयारी में लगे रहें। दोस्तों, अन अकेडमी ने आपका लेखपाल का बैच स्टार्ट कर दिया है। आप जानते हैं अन अकेडमी पर इंडिया वो यूपी के टॉप एडुकेटर जो हैं, आपके लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं। टोटल मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जो भी मटेरियल लगेगा आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके लिए आपको 1 रुपये चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो बहुत ही शानदार मौका है सभी बेस्ट टीचरों के साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि आपको हरे सब्जेक्ट के, हरे टॉपिक के अलग अलग टीचर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक के एक ही टीचर सभी टॉपिक को पढ़ाए कवर करे, ऐसा नहीं। जो भी टीचर रहेंगे, आपको लोक सेवा आयोग हो गया, चाहे आपके किसी बड़े भर्ती होगा PIAS हो गया, चाहे अन्य किसी भी स्टेट के जो आप लोक सेवा आयोग की भर्तियों में टॉप किए हुए हैं और कहीं ना कहीं पास हैं बंदे,
सिलेक्टेड बंदे हैं, तो वही आपको टीचर में गाइडलाइन के साथ पढ़ाएंगे। तो बहुत ही शानदार मौका है अच्छे टीचरों के साथ, अच्छे गाइड के साथ पढ़ने के लिए। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, सारे चीज़ मटेरियल आपको मुफ्त में प्रोवाइड कराएंगे, आपके डाउट्स क्लास हो गए सारा चीज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों ये आपको सब्सक्रिप्शन मात्र 700 रुपये प्रति महीने मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको जितने भी कोर्स रहेंगे संपूर्ण आपकी तैयारी कराई जाएगी। आपको मॉक टेस्ट का मौका मिलेगा, इसमें टॉप एडुकेटर मिलेंगे, आपको हिंदी भाषा में रिवीजन नोट्स मिलेंगे, साप्ताहिक में मेगा क्विज भी कराया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है यह क्या है, जब भी आप इसके नीचे मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जब जाइएगा तो गवर्नमेंट GOVT JOB 10 कोड डालना ना भूलिएगा, जिसमें आपको 10 से लेकर 20% का इस पर भी डिस्काउंट मिल सकता है। GOVT JOB 10 नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।